नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। मोदी के बेंगलुरु रोड शो कार्यक्रम में बदलाव, 36.6 किलोमीटर का शो 2 दिन में करेंगे पूरा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए लिया गया फैसला। पीएम ने बेल्लारी में केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की, कहा आतंकी अब बम बारूद के बगैर समाज को खोखला करें, कांग्रेस इनकी समर्थक। शरद पवार ने 4 दिन में इस्तीफा वापस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले मैं अपना फैसला वापस लेता हूं, इस दौरान अजीत पवार मौजूद नहीं। भारत माता मंदिर में अभिषेक, शामिल हुए संघ प्रमुख भागवत, बोले अखंड भारत सत्य एक शाश्वत है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्थ चटर्जी के सहयोगियों के ठिकानों पर सीबीआई छापे पड़े हैं, नौकरी का दावा कर वसूलते थे रकम। काशी में पीएम मोदी की मां का पिंडदान, छोटे भाई पंकज ने दशाश्वमेध घाट पे किया अनुष्ठान, 30 सितंबर को हुआ था निधन। सोनभद्र में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर निश्चित हो गया कि बीजेपी की जीत निश्चित है। सपा ने 2 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, पार्टी में रहते हुए निकाय चुनाव में अन्य पार्टियों की कर रहे थे दोनों कार्यकर्ता मदद। मथुरा में कम मतदान से परेशान हुए राजनीतिक दल, वार्ड स्तर पर कर रहे आकलन, कम मतदान ने राजनीतिक पंडितों का गड़बड़ाया गणित। भाजपा ने 13 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया, बलिया में बगावत कर रहे अपने प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। कोविड अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं, WHO चीफ ने कहा 1 साल से इसके केस घटते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन इसकी बड़ी वजह। यूक्रेनी सांसद ने रूसी डिप्लोमेट्स में मारा घूसा, तुर्की में चल रही थी बैठक, रूसी मेंबर ने यूक्रेन का झंडा फेंका था। सर्बिया में फायरिंग 8 की मौत, 21 साल के हमलावर ने ऑटोमेटिक गन से हमला किया, 2 दिन में दूसरी घटना। एआई को लेकर टेक कंपनियों के सीईओ से मिले बाइडेन ने कंपनियों से प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करने को कहा, ChatGPT का इस्तेमाल भी किया। पहली बार घर में बच्ची की ब्रेन से सफल सर्जरी, 10 डॉक्टर की टीम ने 2 घंटे में ऑपरेशन, 2 दिन बाद पैदा हुई मासूम। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता 2रा गोल्ड, पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर भाला फेंका, डबल गोल्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय। केएल राहुल आईपीएल 16 से बाहर, WTC फाइनल भी नहीं खेलेंगे, कप्तान की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स ने करुण नायर को अपना साथ जोड़ा है। गुजरात के सीजन में 7वीं जीत, राजस्थान को उसी के होम ग्राउंड में 9 विकेट से हराया, सहागिल और पांड्या ने बनाए रन। एक 126 दिन बाद बिना बैसाखी के चलते दिखे पंत, स्टिक फेंकी और चलने लगे ऋषभ, बैकग्राउंड में बजा KGF का थीम सॉन्ग। फतेहाबाद में कुश्ती संघ पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा, प्रधान सचिव बोले खिलाड़ियों की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं। जय हो एक्ट्रेस डेजी शाह करेंगी टीवी पर डेब्यू, रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 में बतौर पार्टिसिपेट आएंगे नजर। राजकुमार संतोषी का बड़ा बयान, बोले सलमान आमिर नहीं कर पाए थे प्रमोशन, लोगों को उस वक्त फिल्म समझ नहीं आई। बांग्लादेश में 12 मई को रिलीज होगी पठान, बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार रिलीज हो रही है कोई हिंदी फिल्म।
आर्या 3 के लिए सुष्मिता सेन सीख रहे तलवारबाजी, ट्रेनर के साथ शेयर किया प्रैक्टिस का वीडियो, फैंस ने की दमदार एक्शन की तारीफ। सलमान शाहरुख के एक्शन सीक्वेंस के लिए 35 करोड़ का सेट टाइगर 3 में, हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस प्लान करने की तैयारी। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।